नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल अश्वलोक में। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कंकड़ बाबा के श्राप के कारण इस बार बाकेलाल और राजा विक्रम सिंह पहुंचा सीधे अश्वलोक। बाकेलाल, हम अश्वलोक में आ पहुंचे हैं। किस्मत में घोड़े बनना ही बाकी रह गया था महाराज, वो भी बन गए। शुक्र करो बाकेलाल, शुक्र करो कि गंधर्व लोक में नहीं जा पहुंचे हम। वहां तो चारों ओर गधों से ही पाला पड़ता। महाराज, कुछ गधे अपने आप को घोड़ा क्यों समझ लेते हैं? क्या मतलब बाकेलाल? मैं कह रहा था महाराज कि अब हमें अश्वलोक में प्रवेश करना चाहिए। ओ, चलो बाकेलाल। अश्वलोक में उस दिन भी रोजाना की तरह अश्व दौड़ का आयोजन था, जिसमें केवल जवान अश्व ही हिस्सा ले सकते थे। ये अश्व मानव मनुष्य तथा अश्व दोनों की तरह दौड़ सकने में समर्थ थे। इस दौड़ की विशेषता ये थी कि दौड़ जीतने वाले प्रतियोगी को अश्वपति और दौड़ हारने वाले सबसे अंतिम अश्व को फिजडी की उपाधि से विभूषित किया जाना था, और उस फिजडी को भेजा जाना था अजगर दानों केंचुआ के पास उसके भोजन के रूप में। फू, केंचुआ छाप दंत मंजन से जरा दांत साफ कर लूं, अश्व मानो आता ही होगा मेरे भोजन के लिए। रगड़ रगड़। बांकेलाल, यहाँ तो अश्व दौड़ हो रही है। जी हाँ महाराज, मगर आप इसमें भाग नहीं ले सकते। तभी दो अश्व सैनिक वहां आ पहुंचे। ए, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो और दौड़ की झंडी दिखाई जाने वाली है। जल्दी से दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर पीछे छूट गए तो फिजडी की उपाधि तुम्हें ही मिल जाएगी और तुम्हें ही भेज दिया जाएगा अजगर दानों केंचुआ के भोजन के रूप में। क्या? अश्व दौड़ की अश्व झंडी दिखा दी गई। तेज भागूं, कहीं फिसड़ी रह गया तो सामत आ जाएगी। मैं भले ही चौथे पांचवें या छठे क्रम पर रहूं, मगर फिसड़ी ना बाबा ना। बाकेलाल को भी ताव आ गया। महाराज, ये सरासर अन्याय होगा। भला दौड़ में जिन्हें प्रथम आना हो वे फिसड़ी की उपाधि से विभूषित किए जाएं। आइए महाराज, दिखाते हम भी ऐसे वैसे घोड़े नहीं हैं। हाँ बाकेलाल, हम सब कुछ सह सकते हैं, मगर अपना अपना अपमान नहीं। आखिर हम घोड़े की भी कोई इज्जत होती है। इसी के साथ बाकेलाल उछलकर विक्रम सिंह के पीठ पर सवार हो गया। तब फिर जल्दी कीजिए महाराज, भागिए। अरे बाकेलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, बिना सवार के कोई भी घोड़ा कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए महाराज, वरना हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है बाकी, जैसा उचित समझो। अश्व विक्रम सिंह सरपट दौड़ निकले। इन सब में सबसे सिकंडी घोड़ा मैं ही हूं, बाल बाल बच गया, वरना आज मैं जरूर बन जाता फिसडी। मुझे आगे आगे निकल भागे अश्व से आगे निकलना होगा। वाह, घोड़े ने भी कभी घोड़े की सवारी का आनंद ना लिया होगा। मजे आ गए। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, जरा तेज चाल दिखा। हिक हिक, अरे तुम फिक्र मत करो बाकेलाल, अब देखो मेरी छलांग का कमाल। याहू, अरे संभल कर महाराज, कंबक है घोड़ा और उछल कंगारू की तरह रहा है। इस छलांग के बाद अब मैं सब प्रतियोगी से आगे निकल जाऊंगा। बचाओ, मेरी ऊंची छलांग से डर गए क्या बाकेलाल? देखो, इन सबसे आगे निकल आए हैं हम। अब फिजदी की उपाधि मिलने का कोई खतरा नहीं रहा। इधर बांकेलाल जमीन पर धम से गिरा नीचे। हाय, मर गया। अब तेरा क्या होगा बांकेलाल? धड़ाम, वही जो अश्व दौड़ में फिजडी आने वाले का होता है। अब तुम्हें अजगर दानों केंचुआ के पास भेजा जाएगा। नहीं, अजगर दानों का नाम सुनते ही बांकेलाल में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अजगर दानों मेरा मलाई कोफ्ता बनाकर चाट जाएगा मुझे। भाग बेटा बाकेलाल, दिखा दे अपनी चाल। अरे आह, भागने ना पाए। ये तो बीतके हुए घोड़ी की तरफ भागा जा रहा है। भाग कर जाएगा कहाँ? ओह, ये क्या फंदा! बचाओ।
इस बार ना बच सका बाकेलाल। इस भिस्टी को तुरंत महाराज के सम्मुख पेश करना होगा। एक बार छोड़ दो बाकेलाल को कंबक, तो तुम सबको भिस्टी साबित ना कर दूं तो बाके नाम नहीं मेरा। उधर अश्व दौड़ का प्रथम विजेता रहा अश्व विक्रम सिंह। अश्व विक्रम सिंह जिंदाबाद आए, मगर ये मेरी पीठ से बाकेलाल कहाँ गायब हो गया? अश्व सम्राट हिन हिन, हम विक्रम सिंह को अश्वपति की उपाधि प्रदान करते हैं। इन्हें राजसी उद्यान के चन्नों का विशेष आहार दिया जाए। धन्यवाद महाराज। ठीक तभी, महाराज की जय हो। महाराज, इस बार फिजडी की उपाधि के लिए अश्व मानव चुन लिया गया है। ओह, कहाँ है फिजडी? फिजडी कौन है वो बदनसीब? महाराज, ये रहा अश्व दौड़ का फिजडी। बांकेलाल? ओह, विक्रम सिंह तो उछल ही पड़े बाकेलाल को देखकर। बाकेलाल, तुम फिस्ती? नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज, उन मेरा क्या होगा? अश्व सम्राट हिनहिन ने आदेश दिया। बाकेलाल को चन्नों के छिलके का आहार देकर अजगरदानों केचुआ के भोजन के लिए भेज दिया जाए। और इसी के साथ सभा समाप्त हुई। चलो, ले चलो इसे अस्तबल में। नहीं, मेरे बाकेलाल को अजगरदानों केचुआ के पास मत भेजिए महाराज। राज्य के नियम सबके लिए समान होते हैं अश्वपति विक्रम सिंह। आइए अश्वपति जी, महाराज की आज्ञा का पालन कराने के लिए हम आपको राजकीय भोजनालय में ले चलते हैं। यहाँ राज आज्ञा के उल्लंघन का भी भयानक दंड दिया जाता है, यानी मौत। और मेरा बाकेलाल? बाकेलाल को अस्तबल में लाकर बांध दिया गया और खूब पेट भरकर खा लेना चन्ने का पौष्टिक छिलका। वैसे भी सूखा गन्ना है, तू तुझे खाकर केंचुए का कुछ कुछ तो भला होगा। बाकेलाल को क्रोध दिलाने के लिए इतना सब कुछ काफी था। बेटे खच्चर की औलाद, पूरे अश्वलोक को तिगनी का नाश ना नचाया तो मेरा भी नाम बाके नहीं। उसी शाम बाकेलाल के मुस्के कस दी गई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे, कहीं भोजन की देरी में अजगरदानों को गुस्सा आ गया तो इस बाकेलाल के साथ हमें भी सुड़प कर जाएगा। भागो! अरे रुक जाओ कंबख्तो, मुझे भी साथ ले चलो। अरे ना मुरादो, कम से कम हाथ पांव तो खोल दो रे। फिक्र मत कर बाकेलाल, फिक्र मत कर, तेरे हाथ पैर खोल कर ही तुझे चट करूंगी। मेरा नाम है धन्नो छिपकली, पर पहले तुझे इस बांस से स्वतंत्र कर दूं। कहीं मेरे गले में अटक गया तो मेरा तो बोलो राम हो जाएगा ना फालतू में ही। बाप रे, एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं, दूसरी आ गई। उस भयानक और विशाल छिपकली ने अपने पहने दांतों से रस्सी काटकर बाकेलाल को स्वतंत्र कर दिया। हाँ, अब ठीक है, अब धन्नो तुझे आराम से खाएगी। सुड़प! उफ, इस बांस के साथ साथ तो मेरे हाथ पांव ही सुन्न हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कि धन्नो छिपकली बाकेलाल को पकड़कर चूस जाती, धड़ाक, मरा मैं। आ हाय, ये क्या, अजगर दानों केंचुआ के शिकार पर ही हाथ साफ कर बैठी दुष्ट धन्नो। बाप रे, ये तो अजगर दानव है। ये तो शुक्र है कि शिकार की गंध सूंघकर मैं जल्द ही यहाँ आ गया। अब पहले तुझे पीस कर तेरा अचार बनाऊंगा। नहीं, भाग धन्नो, आज तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दोष छिपकली, आज तेरा अचार बनाए बिना ना छोड़ूंगा। इधर बाकेलाल के लिए था ये सुनहरी अवसर। मैदान साफ, भाग ले बेटा बाकेलाल, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। लगता है अब खतरे से दूर आ गया हूं। थोड़ी देर इस छायेदार वृक्ष के नीचे विश्राम कर लूं। और इसी वृक्ष के दूसरी ओर, वाह, कड़वी ही सही पर थी मजेदार। तभी चौंक पड़ा अजगर दानों केंचुआ। अरे ये क्या, ये तो मेरे नथुनों को जानी पहचानी खुशबू आ रही है शिकार की। बाकेलाल, कितना अच्छा है रे तू, मेरा कितना ख्याल है तुझे रे। आ जा, अब ना तड़पा रे, बहुत भूख लगी है मुझे। बाप रे, ये यहां भी आ गया। अब बाकेलाल को भी ताव आ गया। ले फिर चख मजा दुलत्ती का। तड़ाक, हाय! बाकेलाल भागकर घुस गया सीधा एक गुफा में।
अजगर दानव केंचुआ से बचने की फिलहाल यही जगह उचित है। कहाँ गया बांकेलाल? बांकेलाल को गायब पाकर अजगर दानव का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। अजगर दानव केंचुआ, इस बार असुमानों ने तेरे साथ छल किया है। पहले प्रत्येक दिन एक असुमानो भेजने की शर्त का उल्लंघन किया है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। उधर बांकेलाल गुफा में आगे बढ़ता चला गया। ना जाने कितनी लंबी है यह गुफा और कहां पहुंचकर समाप्त होगी। अचानक चौंक पड़ा वो, अरे ये क्या? भय से दिखती बंद गई बांकेलाल की। सुंदर कन्या, किसने की इसकी ऐसी दुर्गति? बेटा बाके, अजगर से बचने के चक्कर में कहीं तू किसी और मुसीबत में तो नहीं फंसने जा रहा? फिर बांकेलाल की निगाहें पड़ी उस कन्या की उंगली पर। कैसा तीव्र प्रकाश फूट रहा है इसकी मुद्रिका से। इसकी मुद्रिका को तो बांके की उंगली में होना चाहिए। वाह, कैसी जगमगा रही है ये मुद्रिका। लेकिन अब तू यहाँ से नक्की हो ले बांके, ना जाने किसकी गुफा है ये। क्या पता तेरा हाल भी वो शैतान इस कन्या की तरह कर डाले। एक स्थान पर पहुंचकर गुफा समाप्त हुई। ना जाने कहां आ पहुंचा हूं मैं। गुफा से निकलकर आगे बढ़ता गया बांकेलाल। किसी तरह अश्वलोक पहुंच जाऊं, ऐसी चाल चलूंगा इस बार की अश्व सम्राट होगा राज सिंहासन के नीचे और मैं ग्रहण करूंगा उसका सिंहासन। फिर गिन गिन कर बदला लूंगा सबसे। तभी ठहर जा दुष्ट, अजगर लोक में घुसपैठ का अर्थ है मौत और मौत का दूसरा नाम है छींका। छी, मर गए, ये छींका कहां से टपक पड़ा? अपने ईश्वर को याद कर ले मूर्ख, क्योंकि अगले ही पल मैं तेरे शरीर के कई टुकड़े कर दूंगा। छी, छींक मारने के साथ इस बार जैसे ही छींका ने सामने देखा, आए कहाँ गया मेरी छींक का लाभ उठाकर भाग निकला। लेकिन छींका से बचकर कहाँ जाएगा, छींका छींक मारकर उड़ा दूंगा उसे। छींका की भयंकर छींक से उड़ गया बांके और जा टकराया एक पेड़ से। छू तड़ाक, छींका ने दबोच लिया बांकेलाल को। छींका, छींका नाम है मेरा। मैं वो बला हूं जो छींक से दुश्मनों के मुंह सुजा देता हूं। भय से रोंगटे खड़े हो गए बांकेलाल के। उफ, इसने छींक मार कर सचमुच मेरा मुंह सुजा कर तरबूजा की तरह बना दिया है। दो टहनियां उठा ली बांकेलाल ने और अब देखता हूं कैसे मारेगा तू छींक। और ये मारी मैंने छींक, अच्छू, हाय मर गया। उस प्रहार से बांकेलाल अपने होश सही सलामत ना रख पाया। अब छींक मार मार कर तेरे मस्तिष्क में भूचाल मचा दूंगा, जिससे कि तेरा अंत शीघ्र ही हो जाएगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।